दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। आज की नंबर वन खबर है ड्रामा अंकिता लोखंडे और उसके ड्राकुला जैसे दिखने वाले हस्बैंड विक्की के बारे में। आप तो सभी जानते हैं कि दोनों बिग बॉस में थे और दोनों ही अपने आप को सुपरस्टार मानते हैं। तो इन दोनों का एक गाना रिलीज हुआ है और इतना वाहियात गाना है कि भाई साहब, अगर आप इस गाने को सुनेंगे तो आप के कानों से धुआं निकलने लगेगा और अगर आप इसको देखेंगे तो आंखों से खून टपकेगा। एक तो ये विक्की जैन ड्राकुला जैसा दिखता है, इसका फेस ऐसा है कि बच्चे देखें तो डर जाए, ऊपर से टकला है, विग पहनता है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये कौन निर्माता है जो इसके बावजूद भी इन लोगों के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं। आज की सेकंड खबर है पुराने जमाने की हीरोइन जीनत अमान जी के बारे में। आप सभी को पता है कि जब ये कभी एक्ट्रेस हुआ करती थी तो बहुत ही बोल्ड एक्ट्रेस कहलाई जाती थी। मतलब ये ऐसे ऐसे सीन दिया करती थी कि उस वक्त लड़कियां अगर वो सीन देखती थी तो उनको गश आ जाते थे और लड़कों की ये फेवरेट हुआ करती थी, क्योंकि जो लड़के देखना चाहते थे वही ये दिखाया करती थी। तो अब जीनत अमान ने यंग लड़कियों को सलाह दी है, उनसे कहा है कि देखो भाई, आप ऐसे ही किसी से भी शादी बिल्कुल ना करें। पहले आप किसी लड़के के साथ 2-4 साल लिव इन में रहे, उसको समझे और उसके बाद शादी करें। यानी कि जीनत अमान जी का यह कहना है कि पहले आप अच्छी तरह से दे दो और देने के बाद शादी करो। अरे मैडम जी, ये आपकी थिंकिंग हो सकती है लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ये थिंकिंग नहीं है। ये जो मशवरा मैडम जी आप दे रही हो, ये उन लोगों के लिए है जो हिंदुस्तान में मुश्किल से 1% है, बाकी 99% का क्या होगा। तो जीनत अमान जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप पूरे हिंदुस्तान को मुंबई ना समझे और कुछ भी फालतू के मशवरे ना दे, क्योंकि आप हिंदुस्तान को नहीं जानती हो, आपका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, सुनने में आया है कि अनीस बज्मी साहब एक फिल्म बनाने वाले हैं डबल ढोल की आयुष्मान खुराना के साथ। हालांकि मैं इस खबर पर यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अनीस बज्मी साहब इतने नीचे नहीं चले गए हैं कि वो डबल ढोल की आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म बनाएंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि इस फिल्म का नाम होगा भूतिया। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये नाम तो बिल्कुल ही गलत है। अगर फिल्म बन रही है तो उसका नाम होना चाहिए चूतिया या नाम होना चाहिए मिठिया। दोस्तों, आज की फोर्थ खबर है बॉलीवुड में सबसे सड़े हुए एक्टर नवाजुद्दीन के बारे में। एक पत्रकार ने इससे पूछा कि भाई साहब, आप कैसे रोल करना चाहते हो फिल्मों में? तो इसने कहा कि मैं कुछ बेशरम बदनाम टाइप के रोल करना चाहता हूं। अरे भाई साहब, आप पहले से इतने बेशरम हो कि आप मीडिया के सामने ये कह चुके हो कि जो आपका बेटा है वो आपका है ही नहीं, वो हराम का बेटा है, आपकी वाइफ का रिलेशन किसी और के साथ था, तब वो बेटा पैदा हुआ, इसलिए आपका बेटा नहीं है। इससे ज्यादा घटिया हरकत और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है? और भाई साहब, बदनामी में तो आपका मुकाबला ही नहीं है। अरे भाई साहब, आप अपनी वाइफ को अपने घर से निकाल चुके हो, आप अपने बच्चों को अपने घर से निकाल चुके हो, इससे ज्यादा और कितने बदनाम हो गए यार। आज की फिफ्थ खबर है पेप्सी पन्नू के बारे में। पेप्सी का कहना यह है कि मैं अपनी शादी को छुपा कर रखना चाहती थी लेकिन वो छुपी नहीं। हालांकि ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। एक्चुअली इसकी शादी का किसी को नहीं पता था। इसने खुद मीडिया में बताया कि मेरी शादी हो रही है। जब इसकी शादी हो रही थी तो वहां कोई मीडिया वाला नहीं आया, इसलिए इसने बाद में कुछ वीडियोस खुद ही लीक किए और खुद ही कहा कि मेरी शादी के वीडियोस लीक हो गए हैं। हालांकि उन वीडियोस को देखने में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, यह बात सच हो सकती है कि यह शादी को इसलिए छुपाना चाहती हो कि एक तो इसका बॉयफ्रेंड बेचारा गरीब है, लुक्खा है, ऊपर से टकला है, तो हो सकता है ये चाहती हो कि भाई मीडिया वाले ना देखे कि इसका हस्बैंड टकला है और लुक्खा है। दोस्तों, आज की सिक्स्थ खबर है उसी हीरोइन राशि खन्ना के बारे में जो फिल्म योद्धा में अभी अभी आई थी। जब इस लड़की को मैंने इसकी पहली फिल्म में देखा तो भाई साहब, ये बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, मैं देखते ही इसका फैन हो गया था। लेकिन योद्धा में देखकर मुझे अफसोस हुआ कि यार, ये लड़की बिना किसी अफेयर के, बिना शादी के आंटी बन चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। कसम से बहुत दुख हुआ मुझे इसको देखकर। दोस्तों, आज की सेवंथ खबर है इन्फ्लुएंसर अंजलि के बारे में। वही अंजलि जिसने कच्चा बादाम पर कुछ अजीब सा डांस किया था, यानी कि हिप्स दिखाए थे। अंजलि ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये सल्लू के फार्म हाउस पर जाना चाहती है और वहां सल्लू के साथ कम से कम 15 दिन रहना चाहती है। कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाहती है कि मैं वहां जाऊं और ऐश करूं और ऐश करने के बाद मुझे सल्लू काम दे देगा। नहीं मैडम जी, कैसे काम दे देगा? वो तो बेचारा मीठा है, वो आपके साथ क्या करेगा? आपको सिर्फ देख सकता है, घूर सकता है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता, तो आपको काम कैसे देगा? लेकिन आप इस लड़की का यह
बयान सुनकर डिसाइड कर सकते हैं कि ये लड़की कितनी चालू है। और भाई साहब ये पहली बार नहीं है जब इसने ऐसा कुछ कहा है। इसने लॉकअप शो के अंदर ये बताया था कि ये एक दफा रशिया गई थी, इसका पर्स खो गया था, इसके पास पैसे नहीं थे, इसने एक रशियन से 5,000 उधार लिए थे और फिर उन 5,000 के बदले इसने रात बिताई थी उसके साथ। ये खुद ही अपने एक इंटरव्यू में ये कह चुकी है कि मुनव्वर ने मुझे काफी दिनों तक अपने घर पर रखा, मुझे मिसयूज किया और मैं बहुत ही हर्ट हुई हूं कि मुनव्वर ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मुझे धोखा दिया। तो इस लड़की के सारे बयान सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 24 आवर रेडी रहती है, बस कोई इसको काम दे दो, जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आज की 7th खबर है राजपाल यादव की नई फिल्म के बारे में। इस फिल्म का नाम है काम चालू है। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है प्लास मुचल ने, जो सिंगर प्लक मुचल का भाई है। यह फिल्म एक रियल कहानी पर आधारित है। इसका ट्रेलर मैंने भी देखा है और बहुत अच्छा ट्रेलर है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है जी ने और यह फिल्म जल्दी ही OTT पर रिलीज होगी, यानी कि Zee5 पर दिखाई जाएगी। दोस्तों आज की 9th खबर है सल्लू बुढ़ऊ की नई फिल्म सिकंदर के बारे में। इसने एक फिल्म का ऐलान किया है जिसको डायरेक्ट करेंगे मुरुगदास, जिसके निर्माता है साजिद नडियाडवाला और ये फिल्म अगले साल यानी कि 2025 में ईद पर रिलीज होगी। मैं आपको बता दूं कि फिल्म Race 3 में भी बुढ़ऊ का नाम सिकंदर ही था और आपको पता है कि वो फिल्म कितनी बड़ी डिसास्टर थी। मेरी समझ में नहीं आता कि एक आदमी जो मीठा है वो सिकंदर कैसे हो सकता है। अरे भाई साहब सिकंदर तो बहुत बड़ा वॉरियर था, बहुत बड़ा मर्द था, मतलब मीठा बुढ़ऊ कैसे सिकंदर का रोल कर सकता है? ये फिल्म में क्या कहेगा? ये मीठा जब फिल्म में डायलॉग बोलेगा तो कुछ ऐसे बोलेगा, एक तरफ हट जा हाँ, नहीं तो तलवार मार दूंगी हाँ, हट चल। अब मुझे बताओ ऐसे मीठे आदमी की फिल्म का नाम सिकंदर कैसे हो सकता है? पब्लिक उस फिल्म को देखने कैसे जा सकती है और वो फिल्म हिट कैसे हो सकती है? लेकिन साजिद भाई की मजबूरी है, साजिद भाई क्या करे। एक्चुअली एक फिल्म आई थी किसी का भाई किसी की जान, उस फिल्म के निर्माता थे साजिद भाई का 20-25 करोड़ रुपया उसमें लगा था। उसके बाद उस फिल्म को बुढ़ऊ ने खुद ही प्रोड्यूस किया था, तो साजिद भाई के वो 20-25 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। अगर ये फिल्म बनेगी तो 20-25 करोड़ रुपए निकल जाएंगे, नहीं तो वो पैसे गए। यही वजह है कि साजिद भाई इस फिल्म को बना रहे हैं। लेकिन साजिद भाई को भी अच्छी तरह पता है कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। दोस्तों आज की 10th खबर है बिग बॉस के विनर मुनव्वर फारूकी के बारे में। आप सभी को पता है कि इसके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती ही रहती है। मोहम्मद अली रोड पर नूरानी मिल्क सेंटर है और ये ईद से एक दिन पहले वहीं गया था। वहां बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और फिर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने इसके ऊपर पत्थर बरसा दिए, अंडे बरसा दिए, टमाटर बरसा दिए और इसको वहां से भागना पड़ा। दोस्तों आज की 11th खबर है रवीना टंडन के बारे में। रवीना टंडन भी ईद से एक दिन पहले मोहम्मद अली रोड पर ही गई थी। एक्चुअली रमजान में वहां बहुत बढ़िया नॉनवेज खाना बनता है और बहुत लोग वहां खाने जाते हैं, तो रवीना टंडन भी वहीं खाना खाने गई। लेकिन जैसे ही रवीना जी का वो वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही लोगों ने रवीना जी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि एक्चुअली रवीना जी बीजेपी की सपोर्टर है और यही वजह है कि रवीना जी ये कहा करती है कि मैं तो वेजिटेरियन हूं। तो लोगों ने रवीना जी से पूछना शुरू कर दिया कि भाई जब आप वेजिटेरियन हैं तो आप मोहम्मद अली रोड पर क्या खाने गई थी। इसके अगले ही दिन इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए रवीना टंडन जी गई मंदिर और फिर रवीना जी ने अपना वो वीडियो पोस्ट किया और लोगों से कहा कि देखो भाई मैं मंदिर भी जाती हूं, मैं वाकई ही वेजिटेरियन हूं, मैं तो मोहम्मद अली रोड पर ऐसे ही घूमने चली गई थी, कुछ खाने नहीं गई थी। दोस्तों आज की 12th खबर है टर्की प्रोड्यूसर बोनी कपूर के बारे में। आप सभी को पता है कि एक दो साल पहले इसने उर्वशी रौतेला के साथ क्या किया था। एक इवेंट में उर्वशी आई थी और वहां इसने उसके बंपर हाथ फिराया था और वो कैमरे में कैद हो गया था, तो इसकी बहुत थूथू हुई थी। अब ऐसा ही एक इंसिडेंट और हो गया है। एक्चुअली फिल्म मैदान का प्रीमियर था और उसकी जो हीरोइन है प्रियामणि वो वहां आई थी, तो बोनी कपूर ने वहां प्रियामणि के बंप पे हाथ फिराया और वो कैमरे में फिर कैद हो गया। तो अब लोग बोनी कपूर को भर भर कर सुना रहे हैं कि तू है ही एक नंबर का ठरकी, तू फिल्में ही ठरकपन के लिए बनाता है। दोस्तों आज की 13th खबर है हीरा मंडी के बारे में। ये एक बहुत बड़ी वेब सीरीज है जिसको डायरेक्ट किया है संजय लीला भंसाली ने और मैं आपको बता दूं, ये बताया जा रहा है कि इस वेब सीरीज का बजट है 450 करोड़ रुपए, 450 करोड़। इस वेब सीरीज के लिए बहुत बड़े बड़े सेट लगाए गए थे और 300 दिन की शूटिंग हुई। कितने भाई साहब? 300 डेज की शूटिंग हुई।
अगर इस वेब सीरीज का इतना बड़ा बजट था और इतने बड़े स्केल पर इसको शूट किया जाना था तो मेरे ख्याल में संजय को कुछ बड़े एक्टर ले लेने चाहिए थे इसमें। लेकिन कमाल यह है कि इस वेब सीरीज में जितने भी एक्टर है वो सब के सब महाफ्लॉप है, ऐसे है कि उनकी शक्ल पर भी नहीं देखा जाता। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, मैंने भी देखा है और भाई साहब देखने के बाद मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला है कि यार ये क्या चुतियापा है, इस ऐसी घटिया वेब सीरीज पर 450 करोड़ रुपए क्यों बर्बाद किए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संजय ने पूरा इंतजाम कर दिया है कि नेटफ्लिक्स इंडिया पे इतना बड़ा ताला लगेगा, नेटफ्लिक्स वाले इंडिया छोड़कर भाग जाएंगे इस वेब सीरीज के बाद। दोस्तों आज की 14th खबर है पाकिस्तान के एक्टर इमरान अब्बास के बारे में। एक वक्त हुआ करता था जब पाकिस्तानी एक्टर बॉलीवुड में काम किया करते थे, उस वक्त ये भी मुंबई में आया करता था, ये महेश भट्ट साहब से मिला करता था, महेश भट्ट की एक फिल्म में इसने काम भी किया था। अब इमरान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि इसको बहुत बड़ी बड़ी फिल्में मिली थी लेकिन इसने वो बॉलीवुड की फिल्में छोड़ दी थी, जैसे कि संजय लीला भंसाली की रामलीला, आशिकी 3, राजू हिरानी की पीके वगैरह वगैरह। और इस बात को सुनकर लोगों ने इसको खूब ट्रोल किया है, लोगों ने कहा है कि भाई तेरे से बड़ा फेकू बॉलीवुड में कोई दूसरा नहीं है, तूने तो फेंकने में गोविंदा को भी पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि गोविंदा ने भी एक बार ये कहा था कि हॉलीवुड की अवतार फिल्म उनको ही ऑफर हुई थी, उन्होंने करने से मना कर दिया था, तब जाकर किसी और ने उस फिल्म को किया। यानी कि अब तक गोविंदा को बॉलीवुड का सबसे बड़ा फेकू माना जाता था लेकिन अब इमरान अब्बास ने उसको पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों आज की 15th खबर है दो महाघटिया सिंगरों के बारे में। एक है हाथीनुमा सिंगर बादशाह और दूसरा है माल का शौकीन हनी सिंह। आप सभी जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, एक दूसरे को गालियां देते ही रहते हैं, लेकिन कमाल यह है कि इन दोनों ने अरिजीत सिंह को अपना बाप मान लिया है। ये दोनों ही अरिजीत सिंह से अलग अलग जगह मिले और वहां दोनों ने ही अरिजीत सिंह के पैर छुए। बिल्कुल सही किया तुम दोनों ने, क्योंकि तुम दोनों इतने बड़े लुक्खे हो, हिंदुस्तान के म्यूजिक को बर्बाद कर रहे हो, तो तुम्हारी यही सजा है कि तुम अरिजीत सिंह को अपना बाप मानते हो, उसके पैर छूते हो। दोस्तों आज की 16th खबर है पोर्न फिल्म बनाने वाली एकता कपूर के बारे में। आप सभी जानते हैं इस बेचारी की हालत, ये लड़कों को पसंद नहीं करती, ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन इसके बावजूद भी इसको पोर्न फिल्म बनाने का बहुत शौक है और ऐसा काम करने के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है, बल्कि अब बहुत ही प्राउडली फील करके कह रही है कि मैंने LSD-2 में इतना सेक्स रखा है, मैंने LSD-2 इतनी गंदी बनाई है कि इसको देखने के बाद लोग मुझे गालियां देंगे, शायद लोग मुझे हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर कर देंगे। ऐसे ही लोगों के लिए कहावत बनी है बेशर्मी तेरा आसरा। दोस्तों आज की 17th खबर है रजनीकांत साहब के बारे में। कहावत है कि भाई पैसे से दुनिया में सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। आप सोचिए रजनीकांत साहब के पास कितने पैसे हैं, आप सोचिए रजनीकांत साहब कितने बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन कमाल यह है कि रजनीकांत साहब अपनी बेटी का डिवोर्स होने से नहीं बचा सके। रजनीकांत की बेटी की शादी हुई थी धनुष के साथ, दोनों के बच्चे भी हैं, लेकिन अब इन दोनों का डिवोर्स हो गया है, ये अलग रहने लगे हैं। यानी कि कहावत फिर से साबित हो गई है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। दोस्तों आज की 18th खबर है ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म मैदान के बारे में। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस फिल्म का बजट है तकरीबन 150 करोड़ रुपए। ये फिल्म 5 साल में बनकर तैयार हुई है और ईद पर रिलीज हुई है और इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं गया। पहले दिन का बिजनेस हुआ सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए और इस फिल्म को बुधवार की शाम को नाइट शोज में भी दिखाया गया था तो बुधवार का जो बिजनेस था वो था 1.5 crore। यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे दो दिन का बिजनेस मिलाकर हुआ 5 crore, ओनली 5 crore। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर हो चुकी है। और आज फ्राइडे है, आज मॉर्निंग के शोज इस फिल्म के सभी कैंसिल हो गए थे। यही वजह है कि फौरन ही बोनी कपूर ने इस फिल्म को फ्री में दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि बाय वन गेट वन फ्री स्कीम के तहत। 2-4 दिन पहले ही बोनी कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म को इस स्कीम के साथ दिखाता है कि बाय वन गेट वन फ्री, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो फिल्म डिजास्टर हो चुकी है। और आज बोनी कपूर अपनी फिल्म को इसी स्कीम के तहत दिखा रहा है, यानी कि बोनी कपूर ने यह मान लिया है कि हाँ उसकी फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है। बड़े आदमी की कहावत है कि हवा में थूका नहीं करते, क्योंकि अगर हवा में थूकोगे तो अपने ही मुंह पर आकर गिरेगा, वही बोनी कपूर के साथ हुआ। दोस्तों आज की 19th खबर है डायरेक्टर नीतीश तिवारी की रामायण फिल्म के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि पिछले 5-6 साल से कहा जा रहा है कि फिल्म बनने वाली है। बीच में यह भी खबर आई थी कि इस फिल्म की शूटिंग भी चालू हो गई है, लेकिन कमाल यह है कि अब तक इस फिल्म का कोई भी निर्माता नहीं था। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस फिल्म का
निर्माता ही कोई नहीं था तो उस फिल्म की शूटिंग कैसे चालू हो गई थी। इसका मतलब यह है कि नीतीश तिवारी झूठ बोल रहा था, ये झोल था। आज ऑफिशियली इस फिल्म के निर्माता सामने आ गए हैं। प्राइम फोकस के मालिक नमित मल्होत्रा और KGF 2 के हीरो यश दोनों मिलकर इस फिल्म का निर्माण करेंगे, यानी कि ये दोनों इस फिल्म के निर्माता हैं। आप सभी जानते हैं कि यश एक एक्टर है, जाहिर सी बात है वो तो अपने घर से पैसे लगाएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि यश को कोई फाइनेंसर मिल गया है जो इस फिल्म में पैसे लगाएगा, और जो प्राइम फोकस का मालिक नमित मल्होत्रा है उसका कमिटमेंट ये है कि इस फिल्म में जितना भी VFX होगा वो सारा VFX नमित की कंपनी करेगी। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये दोनों काफी नहीं है इस फिल्म का निर्माण करने के लिए, क्योंकि इस फिल्म का बजट है तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद भी एक दो निर्माता और आएंगे जो इनके साथ हाथ मिलाएंगे इस फिल्म को बनाने के लिए। आज की 20th खबर है जूनियर NTR की आने वाली फिल्म देवारा के बारे में, जो तेलुगु में बनी है लेकिन ऑल ओवर इंडिया रिलीज की जाएगी। इसको पैन इंडिया फिल्म बताया जा रहा है। नॉर्थ में इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अनिल थडानी साहब और इस फिल्म को प्रेजेंट करेंगे करण जौहर साहब। मैं आपको यह बता दूं कि यही सेटअप बाहुबली के साथ किया गया था और बाहुबली बहुत बड़ी हो गई थी, तो शायद ऐसा ही सोचकर जूनियर NTR ने इन दोनों को अपने साथ लिया है। जूनियर NTR को ऐसा लगता है कि उसकी फिल्म भी बाहुबली की तरह सुपरहिट हो जाएगी हिंदी में। अरे भाई साहब माफ कर दो, काले पीले नीले 2.5 फीट हाइट वाले जूनियर NTR साहब, मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी फिल्मों में आप जैसे एक्टर नहीं होते। हिंदी फिल्मों के जो विलन है वो भी आपसे ज्यादा हैंडसम होते हैं। तो भाई साहब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी ये फिल्म हिंदी में सुपर डुपर डिजास्टर ही होगी, ये चलने वाली नहीं है, आप मेरी बात मान लीजिए। दोस्तों आज की 21st खबर यह है कि पुष्पा 2 और सिंघम अगेन टकराने नहीं जा रही हैं। आप सभी जानते हैं कि ये दोनों ही फिल्म 15 अगस्त पर रिलीज होने वाली थी, दोनों ही फिल्में एक दूसरे को टक्कर देने वाली थी, और अगर ऐसा होता तो दोनों ही फिल्मों का बहुत नुकसान होता। लेकिन अब ये टकराव टल गया है। रोहित शेट्टी ने फैसला किया है कि वो अपनी फिल्म सिंघम अगेन को दिवाली पर रिलीज करेंगे, 15 अगस्त पर रिलीज नहीं करेंगे, जबकि पुष्पा 2 15 अगस्त को ही रिलीज होने वाली है। यानी कि अब इन दोनों ही फिल्मों को पूरा मौका मिल गया है जबरदस्त बिजनेस करने का। पुष्पा 2 तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होनी होनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सिंघम अगेन कितनी बड़ी हिट होगी ये रिलीज के वक्त ही पता चलेगा। दोस्तों आज की 22nd खबर है शाहरुख खान के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान बॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जिससे साबित हो गया कि शाहरुख खान वाकई ही बॉलीवुड का बहुत बहुत बड़ा सुपरस्टार है, नंबर 1 सुपरस्टार है। आप सभी जानते हैं कि कल ईद थी और ईद के मौके पर लाखों लोग शाहरुख खान के घर पर आए शाहरुख खान को देखने के लिए, शाहरुख खान को ईद विश करने के लिए। मतलब जिधर भी नजर जा रही थी, जहां तक भी नजर जा रही थी, वहां तक लोग ही लोग थे, पब्लिक ही पब्लिक थी। और ये पब्लिक का प्यार इस बात का सबूत है कि आज की तारीख में शाहरुख खान से बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कोई नहीं है। वैसे कुछ भाड़े के लोग सल्लू बढ़ो के घर पर भी गए थे, लेकिन वहां कमाल हो गया। जैसे ही ये लोग वहां इकट्ठे हुए, वैसे ही मुंबई पुलिस आई और उन्होंने खूब लाठियां भांजी। यानी कि ये गए थे सल्लू को देखने के लिए, लेकिन सबको जबरदस्त लाठियां पड़ी। बिल्कुल ठीक हुआ, इन लुक्खों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये वो लुक्खे हैं जो सल्लू बढ़ो को देखने गए थे, तो ये 100% लाठियां रिजर्व करते हैं। मैं तो कहता हूं इनको लेटा लेटा के कूटना चाहिए था। दोस्तों आज की 23rd खबर है डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के बारे में। आप सभी को पता है कि विधु की 12th फेल फिल्म हिट रही है, और यही वजह है कि विधु में ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब वो नए एक्टरों के साथ फिल्म बना सकता है और कुछ अलग फिल्में बना सकता है। तो विधु ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है जिसका नाम होगा 0 से। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या एक बार फिर से विधु विनोद चोपड़ा कामयाब हो जाएगा, क्या एक बार फिर से वो 12th फेल की तरह एक हिट फिल्म बना पाएगा। दोस्तों आज की 24th खबर है ऋतिक रोशन की फिल्म वार 2 के बारे में। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में चालू हो गई है और इस शूटिंग में हिस्सा ले रहे हैं जूनियर NTR जो इस फिल्म के विलेन है, और हीरोइन कियारा एडवाणी। लेकिन कियारा एडवाणी को देखकर मैं सरप्राइज हो गया हूं कि ऋतिक रोशन ने कियारा एडवाणी के साथ काम करने के लिए हामी कैसे भरी। ऋतिक एक ऐसा एक्टर है जो सिर्फ उन लड़कियों के साथ काम करता है जिनके साथ उसकी दोस्ती होती है, लेकिन कियारा तो शादीशुदा है,
तो उसके साथ दोस्ती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि आजकल ऋतिक का भी अफेयर चल रहा है सबा आजाद के साथ, तो हो सकता है कि ऋतिक बहुत ही फेथफुल लड़का बन चुका हो और यही वजह है कि वो कियारा के साथ काम करने के लिए राजी हो गया हो। आज की 25th खबर है अजय देवगन के बारे में। आप सभी को पता है कि अजय ने अपनी फिल्म मैदान को ईद पर रिलीज किया और उस फिल्म में अजय ने एक मुस्लिम कैरेक्टर को प्ले किया जिसका नाम है रहीम। लेकिन आप सभी ये भी जानते हैं कि अजय बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर है और वो हमेशा ऐसा कुछ नहीं करता जिससे ये लगे कि भाई वो मुस्लिमों को पसंद करता है। यही वजह है कि अजय ने मुनासिब नहीं समझा ईद पर मुस्लिमों को विश करना। तो मैं अजय से ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर आप मुस्लिमों को ईद पर विश नहीं करना चाहते तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बिल्कुल आपका हक है, आपकी मर्जी है, आप करना चाहे करें, आप नहीं करना चाहे ना करें। लेकिन अगर आपको मुस्लिमों से इतनी प्रॉब्लम है, इतनी दिक्कत है, तो आप मुस्लिम कैरेक्टर क्यों प्ले कर रहे हो? आप अपनी फिल्म को ईद पर रिलीज करके मुस्लिमों से उस फिल्म को देखने के लिए क्यों कह रहे हो? अरे भाई, आप अपनी फिल्म को दिवाली पर रिलीज कीजिए, होली पर रिलीज कीजिए, तो लोग आपकी फिल्म देखने आएंगे। जिन मुसलमानों को आप ईद पर विश भी नहीं करना चाहते हो वो आपकी फिल्म क्यों देखेंगे? यही वजह है कि किसी ने आपकी फिल्म नहीं देखी। अब आप अपनी फिल्म को अपने घर पर ही रिलीज करें, खुद ही देखें और खुद ही एंजॉय करें और खुद ही खुश हो जाए कि आपकी फिल्म रिलीज हुई थी। बात खत्म। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।